हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास सिक्स लेसन नंबर वन नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। क्वेश्चन नंबर वन, ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड द आंसर द क्वेश्चन। इसका मतलब पिक्चर को ऑब्जर्व करो और उसके क्वेश्चन के आंसर दो। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी सी द बर्ड। हम बर्ड को कहाँ देखते हैं, तो आंसर क्या होगा, यस वी कैन सी द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। तो इसका मतलब हाँ, हम देख सकते हैं बर्ड को कि आकाश में उड़ रही है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, वेयर इज द काउ गेजिंग। इसका मतलब काउ कहाँ चल रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा द काउ इज ग्रेजिंग। यस वी कैन सी द काउ ग्रेजिंग ऑन द लैंड। इसका मतलब काउ चल रही है, हाँ हम देख सकते हैं कि काउ चल रही है लैंड पर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, लोकेट द ट्रीज एंड द रोड। तो इसका मतलब क्या आएगा, पेड़ और रोड को पता लगाओ। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, द ट्रीज एंड रोड इज लोकेटेड सिचुएटेड ऑन द लैंड लिथोस्फीयर। इसका मतलब ट्री और रोड का पता लगाए लैंड पर। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम, हाउ डज इट फ्लो। इसका मतलब रिवर कहाँ से आती है और वो कैसे फ्लो करती है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, द रिवर कम फ्रॉम फॉलोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन इनटू बोथ आवर लैंड। यस नदी पहाड़ से नीचे उतरकर दोनों लैंड में आती है। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर इज द एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। एरोप्लेन स्काई में उड़ती है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, वेयर आर द फिश सीन। हम फिश को कहाँ देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, यस वी कैन सी इन द पिक्चर इन द वॉटर स्विमिंग इन द वॉटर। इसका मतलब क्या होगा, हाँ हम देख सकते हैं पिक्चर में वॉटर में तैर रही है, पानी में तैर रही है। ऑन वॉट इज द सेलबोट फ्लोटिंग। इसका मतलब सेलबोट किस पर तैर रहा है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, द सेलबोट फ्लोटिंग ऑन द वॉटर। सेलबोट पानी पर तैर रहा है। हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना है, तो नीचे वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जो आपको न्यू वीडियो का हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय फ्रेंड्स।